नमस्कार दोस्तों, विवेक.ne में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस, एक है यहाँ पर IQ Z9X 5G, दूसरा है यहाँ पर हमारा रियलमी का C63 5G। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा फ़ोन आपको फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की। दोस्तों हार्डवेयर के लिए आ गए हैं पर दोनों फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं UI की, तो C63 5G में आपको मिलता है रियलमी UI 5.0, साथ में Android OS 14। वहीं बात करते हैं IQ Z9X की, तो यहाँ पर आपको मिलता है Fun Touch OS 14 के साथ Android OS 14। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो IQ Z9X में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1 Octa-Core प्रोसेसर, जो कि रन करता है 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर 4 कोर 2.2 GHz कॉर्टेक्स A78 की और 4 कोर 1.8 GHz कॉर्टेक्स A55 की। Adreno 710 आपको मिल जाता है यहाँ पर GPU। वहीं बात करते हैं C63 की, यहाँ पर तो आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 6300 Octa-Core प्रोसेसर, ये रन करता है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर 2 कोर 2.4 GHz कॉर्टेक्स A76 की और 6 कोर 2 GHz कॉर्टेक्स A55 की। Mali G57 MCU आपको मिल जाता है यहाँ पर GPU। तो ये दोनों फ़ोन का हार्डवेयर। अब देखते हैं स्पीड में किस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा फास्ट देखने के लिए मिलती है। दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। उससे पहले आपको दिखा दूँ दोनों फ़ोन की रैम क्लियर है, बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ में। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे थे दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। बात अगर करते हैं स्पीड की, तो नो डाउट यहाँ पर IQ Z9X 5G Realme C63 5G से परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा बेहतरीन है। अब देख लेते हैं रैम मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पर दोनों ही डिवाइस का, किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर कितने एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। दोस्तों रैम मैनेजमेंट भी यहाँ पर बेहतरीन है IQ Z9X 5G का, और स्पीड में भी यहाँ पर IQ Z9X 5G बेहतरीन है। दोस्तों ये था हमारा आज का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन IQ Z9X 5G और Realme C63 5G के बीच में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।